आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। खबर है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। थाना सरसावां पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी से जमीन हथियाने के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। घटना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तारा ने पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता के दौरान घटनाक्रम का खुलासा किया है। ब्यूरो चीफ सहारनपुर। पुलिस को कुछ समय पहले शिकायत प्राप्त हुई कि एससी वर्ग के एक व्यक्ति की जमीन जो है कुछ लोगों ने फर्जी बेनामा करके कब्जे का प्रयास कर रहे हैं। इस पर पुलिस ने जांच करवाई। इसमें प्रारंभिक जांच में मामला सत्य पाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करवा के तहसील के दस्तावेज लेकर और पूरी जांच कर इसमें जो फर्जीवाड़ा है उसका खुलासा किया है। और इसमें दो व्यक्ति मुनव्वर और तासीन पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जो कि पूरा ये गैंग ऑपरेट कर रहे थे, जिसमें कि अन्य दो लोगों की मदद से ये बेनामा करके और ये गलत जमीन खोली गई बेनामे में। और अब जो है प्रार्थी पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो अपनी ज़मीन खाली करे। कुल मिला के ये रोड साइड की ज़मीन है जिस पर कि ये गैंग बनाकर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। इसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद जेल भेजा जा रहा है। इसी में से मुनव्वर जो है वो पूर्व में भी जेल जा चुके हैं एक छेड़छाड़ के मामले में, पॉक्सो एक्ट में, और इनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। और जो बाकी अभियुक्त हैं वो फरार हैं अभी दो, उनको भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर पुलिस को। सर, लगभग कितनी जमीन है, कितनी भूमि और कितनी इसमें? ये लगभग 3 बीघा जमीन है जो कि सरसावां थाने में रोड साइड में है, और इसकी जो बाजार मूल्य है वो लगभग 2 करोड़ रुपए है वर्तमान में। और जो दूसरा पक्ष है, प्रार्थी पक्ष है, वो उसने जमीन 2015 और 2017 में खरीदी थी और तब से ही वो उस पर खेती करता चला आ रहा है। जमीन में विवाद उत्पन्न करने के लिए जो मूल मालिक हैं उनके बच्चों से फर्जी बेनामा करवाया गया था जिसमें कि गलत जमीन खोली गई, और अब उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि आ रहे हैं। उन पर कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है। कई गैंग का पंजीकरण भी किया गया है, कईयों के विरुद्ध हमने गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही भी की है। जो भी अगर कोई व्यक्ति सहारनपुर निवासी है जो परेशान है जमीन संबंधित मामलों से, वो यथासंभव तहसील में अपना निस्तारण करावे, अन्यथा जो हमारा पुलिस कार्यालय है वहाँ उपस्थित होकर अपनी शिकायत बता सकते हैं। और अगर यदि उस प्रकरण में पुलिस कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत होती है तो उसमें निष्पक्ष रूप से पुलिस कार्यवाही जांच करवा के की जाएगी। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।